चाहिए। ठीक है बेटा, तुम सुबह सोकर उठना तो मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं ले लूंगा कल अपने लिए कुछ। ठीक है बेटा, आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह मेले नहीं जाना है, कल ईद भी है। जब सुबह होती है तो बुक्कू मेले में जाता है और देखता है कि उसके सब दोस्तों ने अच्छी अच्छी कपड़े पहनी है, वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उसको प्यार करने वाला उसकी दादी के सिवा कोई नहीं था। बुक्कू रोने लगता है कि उसकी मम्मी पापा नहीं है। फिर बुक्कू अपने दोस्तों के साथ मेला जाता है और मेलों में देखता है कि उसके दोस्त लोग बहुत सारे पैसे लाए हैं और अलग अलग खिलौने खरीद रहे हैं। बुक्कू ये देख कर सोचने लगता है। जब बुक्कू सोचता है कि उसकी दादी शादी में जाती है तो ना तो उनके हाथों में पहनने के लिए सोने की अंगूठी होती है, ना तो चांदी की अंगूठी होती है। तो पप्पू अपनी दादी के लिए एक अंगूठी खरीद के लाता है मेले से, ताकि उसकी दादी वो अंगूठी पहन सके और शादी में जा सके। जब पप्पू घर लौटता है तो अपनी दादी से कहता है, दादी माँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या लाया है बेटा तुमने मेरे लिए? अपने लिए कुछ नहीं लिया। ये देखो दादी माँ, मैंने आपके लिए अंगूठी लाया हूँ ताकि आप शादी में जा सको और अंगूठी पहन सको। क्यों बेटा तुमने ये काम क्यों किया? तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? और वैसे भी दादी माँ, आपसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए है ही कौन। आ मेरे बच्चे, गले लग जा मेरे।